क्लिक करो सब्सक्राइब बटन पे और प्रेस करो इस बेल आइकन पे ताकि आप देख सको वीडियो सबसे पहले। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप अपना प्रोफाइल पेज कैसे बना सकते हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर। जैसे कि यूजर लॉग इन करता है, साइन अप करता है, उसके बाद फिर उसका जो डेटा है, उसका मोबाइल नंबर, उसका ईमेल एड्रेस, जो भी चीज़ें डेट ऑफ बर्थ वो एप्लीकेशन के अंदर उसको शो होना चाहिए, वो आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, तो वो इस वीडियो में मैं आपको पूरा ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ। तो जिससे आपका एप्लीकेशन वो बेहतर हो, अच्छा दिखता है और जिससे यूज़र को भी पता रहता है उसका यूज़र नेम क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, तो वो कभी भूल नहीं जाता है, वो अपने एप्लीकेशन के अंदर देख सकता है। तो आपको सबसे पहले मैं एग्जांपल बता देता हूँ ये वर्क कैसे करता है। तो आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ जो कि कूडलर के अंदर क्रिएट किया। तो ये एप्लीकेशन को मैं ओपन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो सबसे पहला लॉगिन का प्रोसेस है। तो इधर मैं न्यू रजिस्टर जो कि न्यू डेटा फिल करूंगा और इसके अंदर यूजर से मैं उसका ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, उसका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और मैं एक पिक जो कि यूजर से लूंगा। तो जो यूजर को एप्लीकेशन लॉगिन होने के बाद दिखाएंगे आपका ये डिटेल है। तो जैसे कि मैं आपको बताया था नेम, जैसे नेम मैं मेरा फिल कर देता हूँ महेंद्र, बाद में फिर योर एंटर मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर में डाल देता हूँ मेरा 8169886637, ये मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया। बाद में फिर ईमेल एड्रेस डालना, तो ये मैं ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ, ये मैंने ईमेल एड्रेस डाल दिया। उसके बाद फिर पासवर्ड, तो मैं पासवर्ड 123 सेलेक्ट करता हूँ। और इधर आप देख सकते हो ये डिटेल भी रजिस्ट्रेशन का पेज में मैंने बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है। तो इधर आप देख सकते हो सबमिट पर क्लिक करूँगा तो प्लीज़ एंटर द पासवर्ड, तो इधर पासवर्ड पूछने बोलेगा। तो इधर जो कि मैंने पासवर्ड नहीं डाला हुआ है वो इधर मैं 1234 डालता हूँ, दूसरे वाले में 1235 डालता हूँ और इधर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो देख सकते हो पासवर्ड डज नॉट मैच, तो इधर ये पासवर्ड भी मैच होना चाहिए और सारी डिटेल फिल होना चाहिए। तो इसकी AI फाइल भी आप ले सकते हो और अपने एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हो। तो AI फाइल कहाँ मिलेगी वो मैं आपको बता दूंगा वीडियो के आगे। तो इधर आप देख सकते हो सेलेक्ट बर्थ, तो मैं आज का डेट सेलेक्ट कर देता हूँ और इधर जो कि जेंडर में मेल और फीमेल, तो इधर मैं मेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। अपलोड अ पिक्चर, तो इधर पिक्चर कोई भी सेलेक्ट करनी जो मतलब यूज़र की पिक्चर है, जो आप यूज़र को कहना चाहते हो कि कोई पिक्चर सेलेक्ट करे, तो मैं रैंडमली कोई पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ये बुक माई शो की पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये मैंने बुक माई शो की पिक्चर सेलेक्ट कर ली। इसके बाद फिर सबमिट पे क्लिक कर देना, तो आप देख सकते हो अपलोडिंग डेटा, उसके बाद आप देख सकते हो डेटा स्टोर और डायरेक्ट लॉगिन का पेज खुल गया। अब ये लॉगिन करना है तो इधर देख सकते हो जैसे कि मैंने मोबाइल नंबर मेरा डाला था तो 8169886, और मैं इधर रॉन्ग मोबाइल नंबर डालता हूँ और इधर मैं पासवर्ड कुछ और डालता हूँ, इधर मैं लॉगिन करता हूँ, देख सकते हो इनकरेक्ट पासवर्ड, वो मतलब आपका रॉन्ग ये पासवर्ड है। और इधर आप देख सकते हो मैं सही मोबाइल नंबर डालता हूँ 8169886637 और बाद में फिर मैं पासवर्ड भी सही डाल देता हूँ 1234554, तो आप देख सकते हो मैंने पासवर्ड भी सही डाला। अब मैं लॉगिन करता हूँ तो आप देख सकते हो ये मेरा सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। और इधर जो मैंने प्रोफाइल पिक रखा था वो मेरा लोड हो चुका है, जो बुक माय शो का रखा था वो इधर मेरा डिटेल दिख जाएगा। देख सकते हो जैसे महेंद्र, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और ईमेल एड्रेस, और आप देख सकते हो सेक्स जो कि मेल, तो जेंडर जो मेल और ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, ये सब दिख जाएगा। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, मैं आपको बता दूंगा ये कैसे क्रिएट करना है, उसका AI फाइल भी आपको मिल जाएगी। और आपको अपना एप्लीकेशन कुछ बनवाना है तो नीचे नंबर दिए हुए हैं, तो उस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो जिससे आपको एप्लीकेशन बनवाया, कोई अर्निंग के रिलेटेड एप्लीकेशन, जॉक शायरी वगैरह एप्लीकेशन आपको बनवाना, तो आपको बना के मिल जाएगा। तो हम डायरेक्ट चले जाते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहाँ ये एप्लीकेशन कूडलर पर क्रिएट है, फायरबेक्स से कनेक्ट है। तो कैसे कनेक्शन किया, क्या ब्लॉक सेट किया, वो सब हम देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो हम आगे मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इधर रेड कलर का बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता है, तो ट्यूटोरियल के रिलेटेड एप्लीकेशन कैसे डेवलप करना है, तो नीचे बेल आइकन जो है उस पर भी क्लिक कर दिए, तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और इसकी AI फाइल भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पर इसे समझ लीजिए कनेक्शन कैसे करना है फायरबेस के लिए, और क्या आपको प्रोजेक्ट सेट करना है, और कैसे API सेट करनी है, वो सब चीज़ समझ लीजिए। तो इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिए, तो कुछ भी प्रॉब्लम ना आए, आप खुद से प्रोजेक्ट बना रहे हो या फिर ये AI फाइल कहीं भी यूज़ कर रहे हो, तो आप इजिली कनेक्ट कर पाए अपने फायरबेस और फायरबेस स्टोरेज, जो इमेज आप सेंड करोगे, रिसीव करोगे, जो मैंने बताया था आपने, तो वो सब इजिली आप कर पाओ। ये जो प्रोफाइल पे जो हमारे एप्लीकेशन में दिखाना चाहते हैं, ये जो मैंने कूडलर पे डेवलप किया हुआ है, तो कूडलर पर कैसे क्रिएट करना है वो मैं आपको बताया था। तो इधर सबसे पहले स्क्रीन कितनी लेनी वो मैं बताया था, तो टोटल 3 स्क्रीन लेना है। आप कोई भी बने बनाए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो इस हिसाब से आप स्क्रीन ले लीजिए, जैसे कि लॉगिन के, साइनअप की और एक रजिस्टर की स्क्रीन रहती है। तो इधर जो कि मैंने 3 स्क्रीन ली हुई, ये हमारी होम स्क्रीन है, सबसे पहले वाली होम मतलब जहाँ यूजर के डेटाज दिखेंगे, और उसके बाद फिर आप स्क्रीन 1 पे ये लॉगिन की स्क्रीन है। तो इधर देख सकते हो यहाँ यूज़र अपना डेटा फिल करेगा लॉगिन करने के लिए। उसके बाद स्क्रीन 2 जो कि रजिस्ट्रेशन की स्क्रीन है, तो इधर जो यूज़र अपना डेटा फिल करेगा रजिस्टर करने के लिए, तो स्टोरेज में स्टोर होएंगे, बाद में लॉगिन के टाइम पे जो भी डेटा रहेगा वहाँ से कॉल करके रिसीव होएंगे, और बाद में उसका लॉगिन सक्सेसफुल होगा। तो ये बहुत ही सिंपल है, इस तरह 3 स्क्रीन यूज़ किए। अब इसके अंदर कंपोनेंट क्या क्या यूज़ किए वो मैं आपको बताता हूँ, और AI फाइल भी आपको मिल जाएगी, पर ये कंपोनेंट कैसे सेट करना है, आप कोई प्रोजेक्ट में
बने बनाए प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो तो आपको कंपोनेंट ये बीच में लाने, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कौन से कंपोनेंट यूज़ करने वो मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रजिस्टर की, तो रजिस्टर में ही हम सबसे पहला करते हैं, बाद में फिर लॉगिन करते हैं, बाद में हमारा प्रोफाइल पेज दिखता है। तो ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो इधर आपको रजिस्टर के लिए जो भी मैंने लिया है, इधर देख सकते हो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट और वर्टिकल अरेंजमेंट लिए हुए। अभी अरेंजमेंट के अंदर आप देख सकते हो कुछ भी चीज़ अरेंज किया वो बीच में अरेंज हुआ है। इधर आप देख सकते हो ये रजिस्टर का बीच में हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, वर्टिकल अरेंजमेंट है, ये नीचे हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट लिया हुआ, ये स्क्रीन के बीच में आया। तो स्क्रीन के बीच में कैसे आया, तो इधर सबसे पहला आपको ये स्क्रीन टू दिखती रहेगी, ये स्क्रीन टू में आपको है ना स्क्रीन के जो अलाइनमेंट है वो सेंटर में कर देना है। इधर आप देख सकते हो अलाइनमेंट सेंटर में, अलाइनमेंट सेंटर में, तो ये सब आपको सेंटर में कर देना है इधर स्क्रीन टू पे क्लिक करके। तो जो भी चीज़ आप इसके अंदर डालोगे वो सेंटर में आएगा। अब मैं बात कर ले तो इसके अंदर आपको एक बताए तो एक्सटेंशन यूज़ करना पड़ेगा, जो हम पिक्चर को पिक करेंगे, जो भी हमारा अपलोड करेंगे पिक्चर उसके लिए एक एक्सटेंशन है। तो एक्सटेंशन की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो आप डाउनलोड कर लीजिए। और इधर आपको एक्सटेंशन पे इधर क्लिक करके इधर इंपोर्ट कर लेना है, इंपोर्ट और चूज फाइल, तो जहाँ भी आप अपने कंप्यूटर में सेव करेंगे चूज कर लेना है, उसको इंपोर्ट कर लेना जो कि ऑलरेडी मैंने इंपोर्ट किया हुआ है। तो ये मैंने एक्सटेंशन बता दिया। अब हम वापस आ जाते हैं अलाइनमेंट के ऊपर, जो हमें कंपोनेंट यूज़ करने वो मैं आपको बताया। तो इधर सिंपल है, आपको लेबल यूज़ करना है और रजिस्टर डाल देना है। और रजिस्टर डालने के पहले ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है, इसके बीच में आप देख सकते हो ये रजिस्ट्रेशन भी बीच में आ रहा है, तो काफ़ी लोग को पता नहीं रहता, लेफ्ट साइड में आ जाता है, राइट साइड में आ जाता है। तो इधर हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट के अंदर जाके आप देख सकते हो सेंटर में कर देना है, जिसके अलाइनमेंट है हॉरिजॉन्टली वो भी सेंटर में कर देना, वर्टिकली वो भी सेंटर में कर देना है। तो कुछ भी चीज़ आप इस हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट के अंदर डालोगे, आप कुछ रजिस्टर के अलावा कुछ और लिखना चाहते हो तो वो आपके सेंटर में आ जाएगा, जिससे आपको और भी बेहतर दिखेगा। सेम टू सेम ये वर्टिकल अरेंजमेंट के लिए भी ऐसे ही करना है, वर्टिकल अरेंजमेंट में क्लिक करके सेंटर में कर देना है। सेंटर में करने के बाद आपको कहीं राइट साइड लेफ्ट साइड करना, तो ये चेंज भी कर सकते हो, इधर लेफ्ट साइड राइट साइड जिस साइड करना वो चेंज भी कर सकते हो। तो ये जो भी चीज़ आप इसके अंदर डालोगे वो सब सेंटर में आ जाएगी, जिससे प्रॉपर दिखेंगे। तो इधर आप देख सकते हो टेक्स्ट बॉक्स लिया हुआ, टेक्स्ट बॉक्स का आप देख सकते हो टोटली आप फॉन्ट बोल्ड किया हुआ और इसका साइज फॉन्ट का 18 किया हुआ। और इधर आप देख सकते हो नीचे स्क्रॉल करता है इसका विथ जो कि 60% किया हुआ, तो इस साइड भी टच ना हो, इस साइड भी टच ना हो, ये प्रॉपरली एकदम सेट हो जाए। तो इसी तरह सभी टेक्स्ट बॉक्स लिए हुए, सभी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हिंट डाले हुए, हिंट मतलब कभी भी यूजर फील करता है तो उसको पता रहना चाहिए इसके अंदर क्या फील करना। तो बैकग्राउंड में एक नेम रहता तो नेम दिखता, बाद में फील करने जाते तो नेम्स गायब हो जाता है, जैसे आप मेरा मोबाइल स्क्रीन बगल में देख रहे हो। तो इसी तरह तो ये हमारे हिंट होते हैं। तो इधर आप देख सकते हो एंटर योर नेम, ये मैंने हिंट डाला हुआ है। तो आपने एप्लीकेशन कोई क्रिएट किया रहेगा तो आपको पता रहेगा, नहीं क्रिएट किया तो आप इस AI फाइल को देख के इजिली समझ जाओगे। तो इसी तरह ये मैंने टेक्स्ट बॉक्स सेट किया, इसके बाद फिर सेलेक्ट बर्थ डेट। तो सेलेक्ट बर्थ डेट के यहाँ पर डेट पिकर यूज़ किया, डेट पिकर आप देख सकते हो इधर यूजर इंटरफेस में आपको डेट पिकर दिखेगा, ये डेट पिकर लेके मैंने इधर ड्रैग कर दिया। ड्रैग करने के बाद इधर आप देख सकते हो इसका डेट पिकर का मैंने देख सकते हो साइज जो अलाइनमेंट है वो सेंटर में कर दिया, मतलब इसके अंदर जो लिखा हुआ वो सेंटर में आ गया। और बाद में फिर आप देख सकते हो इधर इसका साइज जो कि फॉन्ट्स का साइज 18 रख दिया, और इसके ऊपर जो मुझे लिखना था सेलेक्ट बर्थ डेट, तो ये मैंने बर्थ डेट लिख दिया है। और इसका आप देख सकते हो कलर वगैरह जो आपको देना आप दे सकते हो। इसके बाद फिर आप देख सकते हो मेल और फीमेल दो चेकबॉक्स यूज़ किए, ये दो चेकबॉक्स एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट के अंदर यूज़ किए, ये देख सकते हो ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है इसको यूज़ किया है। और इसका आप देख सकते हो ये ऑटोमेटिक रखा हुआ, इसका हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट इधर आपको मैं दिखा देता हूँ, ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है इसका। आप देख सकते हो ये हाइट ऑटोमेटिक रखा हुआ है, विथ 60% रखा हुआ है, तो इधर से लेके इधर साइड साइड में टच ना हो जिससे बेहतर लगे। और इधर ये जो दो चेकबॉक्स है इधर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट के अंदर मेल और फीमेल दो चेकबॉक्स है, तो इधर दो चेकबॉक्स यूजर इंटरफेस के अंदर आप देख सकते हो इधर ये चेकबॉक्स दिखे कि ये दोनों ड्रैग हुए। तो आप कुछ और डालना चाहते हो मेल फीमेल या फिर कुछ भी ट्रांसजेंडर वगैरह तो वो डाल सकते हो। और उसके बाद फिर अपलोड पिक्चर, अपलोड पिक्चर पे बहुत ही सिंपल है, इधर आप मीडिया पे जाओगे, मीडिया पे जाने के बाद इमेज पिकर दिखेगा, ये इमेज पिकर यूज़ किया हुआ ये इधर लगा दिया। और उसके बाद इसका फॉन्ट वगैरह मैंने चेंज कर दिया, अपलोड पिक्चर लिख दिया और उसका फॉन्ट जो कि 18 कर दिया और उसका साइज़ वगैरह मैंने चेंज कर दिया और ये बीच में आ गया। और सेम टू सेम सबमिट और लॉगिन बटन, तो इस तरह ये अलाइनमेंट सेंड हुए तो आपको समझ में आ गया रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं सेम टू सेम लॉगिन का भी प्रोसेस है, इधर स्क्रीन वन पे हमारा लॉगिन का, तो इसी तरह मैंने सेंटर अलाइनमेंट लिया और ये सब चीज़ों को सेंटर में ले लिया, और ये बटन दो बटन सेट कर दिया और दो टेक्स्ट बॉक्स सेट कर लिया है। और इधर आप देख सकते हो ये जो विक्टर है तो इधर ये मैंने ऐसे लगाया हुआ है, तो जिससे आपका ऐप थोड़ा प्रोफेशनल और अच्छा दिखेगा। और जो हमारा डेटा जो इमेज रहेगा यूज़र अपलोड करेगा वो लॉगिन होने के बाद उसे अपना इमेज दिखेगा। तो इस तरह ये आप सेट कर लीजिए। ये सेट करने के बाद हम बात कर लेते हैं होम स्क्रीन, तो होम स्क्रीन मैं आपको दिखा देता हूँ, तो जिसके अंदर यूज़र लॉगिन करने के बाद उसका डेटा नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल सेक्स, ये चार चीज़ पांच चीज़ दिखेगी। तो इसमें और भी चीज़ आप ऐड कर सकते हैं, वो चीज़ मैं आपको दिखा दूंगा कैसे ऐड करना है, और अभी भी बताया तो कैसे बहुत ही सिंपल है। तो इधर आप देख सकते हो ये चीज़ हो गई। तो इधर आपको कंपोनेंट पे ले लेना फायरबेस, ले लेना फायरबेस स्टोरेज, इधर आपको ले लेना फायरबेस स्टोरेज, ऐसे लेके आपको ट्रैक कर देना इसमें। और
और आप देख सकते हो फायरबेस आपको इधर मिलेगा, इधर आप देख सकते हो स्टोरेज में आना, स्टोरेज में आने के बाद ये फायरबेस आपको दिखेगा, ये आपको उठा के इधर ट्रैक कर देना। तो ये दो चीज़ ले लेना है और एक टाइनी डेटाबेस ले लेना। टाइनी डेटाबेस क्यों ले रहे हैं, यूज़र का जो भी डेटा रहेगा वो हमारे फ़ोन में भी स्टोर होगा, बाद में वो वहाँ से डिटेक्ट करके इसके अंदर लाएगा और फायरबेस से भी लाएगा। तो इधर टाइनी डेटाबेस आपको स्टोरेज के अंदर ही मिल जाएगा, स्टोरेज में आप देख सकते हो ये टाइनी डेटाबेस लिखा हुआ है, ये आपको इधर ट्रैक कर देना है। और इसी तरह आप देख सकते हो ये अलाइनमेंट ले लेना, इधर अलाइनमेंट लेना बहुत ही सिंपल है, वर्टिकल अरेंजमेंट लिया हुआ, बाद में इमेज का इधर से आप देख सकते हो यूजर इंटरफेस के अंदर से ये इमेज का कंपोनेंट इधर डाल दिया है। और इसका साइज वगैरह मैंने देख सकते हो 150 पिक्सल रखा हुआ, इसके बीच में स्पेस के लिए, बाद में फिर आप देख सकते हो ये नेम, फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सभी के लिए एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट लिया। उस हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट के लिए दो लेबल लिया है अंदर, दो लेबल कौन से, जैसे कि एक नेम का ये लेबल वन, तो जो नेम है यूजर का नेम इधर डिटेक्ट करेगा, और इधर ये मैंने लेबल जो इधर आपको नेम दिख रहा है उस लेबल का नाम मैंने चेंज नहीं किया है, और जो दूसरा लेबल है जो आपको नहीं दिखता रहेगा इधर आप देख सकते हो हल्का सा रेड रेड दिख रहा है, तो इसका मैंने नाम नेम रखा है, जिसे हम इजिली ब्लॉक के अंदर सेट कर पाए इसके लिए मैंने इसका नाम नेम रखा हुआ है। और इस तरह ये सब मैंने ब्लॉक सेट किए हुए। तो इधर आप कुछ और भी सेट करना चाहते हो तो सेम टू सेम लेआउट लेके आप साइज वगैरह देके एक और लेआउट सेट कर देते हो, फायरबेस के अंदर मैं बता देता हूँ वो लेआउट को भी आप कैसे यूज कर सकते हो, जो यूजर से आप डेटा ले रहे हो, समझ लीजिए कुछ और भी चीज़ ले रहे हो, जैसे एड्रेस ले रहे हो या फिर उनके सिटी का नाम या फिर मुंबई सिटी का नाम, कुछ भी सिटी का नाम ले रहे हो वो भी आपको इधर स्टोरेज कराना वो भी आप करा सकते हो। तो इस तरह ये लेआउट सेट किया हुआ है। और इधर आप देख सकते हो जैसे फायरबेस और टाइनी डेटाबेस और फायरबेस स्टोरेज, ये तीन चीज आपको हर में लेना है, आपको स्क्रीन वन में भी लेना है, स्क्रीन टू में भी लेना है, होम में भी लेना है। तो ये चीज तीन चीज आप ले लीजिए, फायरबेस, टाइनी डेटाबेस और फायरबेस स्टोरेज और नोटिफायर, ये चार चीज आप सभी के अंदर ले लीजिए। अभी ये लेने के बाद हम बात करते हैं ब्लॉक की, तो ब्लॉक कैसे सेट करना वो भी बहुत ही सिंपल है। तो इसका नेक्स्ट अभी तो ब्लॉक कैसे सेट करना वो भी बहुत सिंपल है, तो ये वीडियो और भी लंबा होते जा रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बता दूंगा ब्लॉक कैसे सेट करना है। तो नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और इस वीडियो के एंड में भी मिल जाएगी और ऊपर कार्ट में भी मिल जाएगी, तो वहाँ जाके आप इसका नेक्स्ट वीडियो देख लीजिए जिससे आपको ब्लॉक सेट करने का प्रॉपरली समझ में आ जाए। तो आप आपको जितना मैंने बताया उतना आपको समझ में आ गया रहा है, उसकी एफआईआर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आपको एप्लीकेशन बनवाना हो तो आप उसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मोबाइल नंबर मेरा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर का बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।